हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन बच्चा पार्टी। और बच्चों, आज हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे है। उस आर्टिकल को पढ़िए और सोचिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाओ ड्यू टू कैसा। मेरे पास है एक लीनियर कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर कंडक्टर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस आर पे आप फाइंड करके बताओ मेरे को विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। हालांकि जब मैंने गॉस लॉ का यूज किया तो फिर मेरे पास क्या थी उसकी वैल्यू, आप सभी को ध्यान है उसकी वैल्यू थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। देखो बच्चा, मैं कर रहा हूं फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, देखिए बच्चा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक बार बच्चे आ गए हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूं भाई। देखो बेटा, हाँ जी, देखो जी, मेरे को आज गॉस लॉ का यूज नहीं करना और बिना यूज करे ये कॉन्सेप्ट निकालना है, ठीक है, कि E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R. This is electric field intensity actually, ठीक है, due to a current carrying state conductor भी आप बोल सकते हैं, length element भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज आपको क्या करना है, गॉस लॉ का यूज नहीं करना, गॉस लॉ का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बिना यूज करे आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर के इक्वल लेके आते हैं, ये आपका टारगेट है बच्चा, ठीक है ना जी। तो स्टार्ट करें, मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा बच्चा कि मेरे को एक स्टेट कंडक्टर के लिए काम करना है, और स्टेट कंडक्टर कैसा है, जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट, ठीक है ना जी। ये है मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर, मान लीजिए ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी, और ये कहीं ना कहीं चार्ज है, इसके पास चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है Q के बराबर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं Q चार्ज है, अगर इसकी लेंथ L है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, Q by L, ठीक है ना बच्चा। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि लैम्डा जो है मेरी, लैम्डा शुड बी इक्वल टू, अगर लेंथ हमारे कंडक्टर की L है AB की, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, लैम्डा इनटू एल के बराबर उसकी वैल्यू रहने वाली है, ठीक है जी। मेरे को गॉस लॉ यूज नहीं करनी, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहता है कि मैं यहाँ एक छोटा सा सेगमेंट मान लेता हूँ, एक स्मॉल सेगमेंट, और उस सेगमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ मैं मान लेता हूँ बेटा dx, ठीक है। तो उस सेगमेंट की लेंथ में क्या मान लेता हूँ बेटा dx, अब स्मॉल सेगमेंट है तो स्मॉल चार्ज होगा उसके पास, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, ऑफ कोर्स लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज है dq/dx। देखो dq/dx मतलब लैम्डा तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, यानी कि dq/dx की वैल्यू भी वही आएगी जो q/L की वैल्यू आएगी, सीधी सी बात यही है, ठीक है। अब देखो बच्चा, यानी कि अगर मैं चार्ज की बात करूं, कितना चार्ज है इसके पास, लैम्डा इनटू dx के बराबर है, किसके पास चार्ज, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के पास, जिसकी लेंथ कितनी है dx के बराबर है। अब मान लो आपको यहां से इसके मिड पॉइंट से स्ट्रेट मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, ये इतने डिस्टेंस पे आके आपको काम करना है, इतने डिस्टेंस पे आके, और ये कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, इसके मिड पॉइंट से मान लीजिए r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट p पे आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आपको यहां p पॉइंट पे जो यहां सेंटर से c से कितने डिस्टेंस पे लाई करता है बेटा, r डिस्टेंस पे लाई करता है, अब इस पॉइंट p पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर AB। ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है भाई AB, ठीक है ना, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ हमने ली है, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ हमने ली है। अगर मैं फाइनाइट लेंथ लूंगा तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे सिचुएशन कैसी रहने वाली है,
ठीक है जी। अब देखिए इसका इसका जो डीएक्स है, डीएक्स का मिड पॉइंट देखिए और मिड पॉइंट देख के आप बताइए कि वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सी से लेकर इसके मिड पॉइंट हम मान लेते हैं ओ, सी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया एक्स के बराबर। सी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया एक्स के बराबर, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि ये चार्ज है, ये डीएक्स वाला चार्ज है डीक्यू, इस चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपको पता है ना एक बात का कि ये जो होते हैं ये कैसे फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस पे डिपेंड करती है। मतलब P पे आपको एक टेस्ट चार्ज भी रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव रखा, और पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ने रिपेल किया, क्यू नोट आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है, और वेरी वेरी स्मॉल लिया, जैसा कि आप बातें करते आए पीछे वही बातें आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए आगे चलते हैं हम। तो अब यहां से ये डिस्टेंस है x के बराबर और ये डिस्टेंस है हमारा आर के बराबर। तो ये जो सेपरेशन है ओ से लेकर पी तक, ये किसके बराबर हुई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या बेटा अंडर रूट, इसका क्या बच्चे अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना जी। अब देखो पी पॉइंट पे मेरे को निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास जो बच्चे हैं मैं एक बार बता देता हूं, अमरवीर, अंशु पठानिया, अभी भारती, भवजोत कौर, दविंदर सिंह, गुनवीर, हरकमल प्रीत सिंह, हरसिमरन, ईशान, जस्मीन, खुशदीप, मनवीर और महक, और महक मनवीर और महक, पलविंदर, पलविंदर के बाद है जी, पलविंदर के बाद है प्रिंस, प्रिंस के बाद है जी रमनजीत कौर और साहिब प्रीत सिंह, सिमरनप्रीत कौर, सुखलीन कौर, सुखमन, वंशिका, हाँ जी बस वंशिका, ठीक है जी। देखिए बच्चों हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मैंने क्या कहा जी कि मैंने ओ पे एक चार्ज बैठा रखा है, वो चार्ज है डीक्यू, और इसके कारण किसी पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और डिस्टेंस है मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा यहां पे बनेगा डीई के बराबर, और डीई की वैल्यू मुझे आपको बतानी है। तो डीई क्या होगा आपके पास, के क्यू, सोर्स चार्ज, सोर्स कितना है, सोर्स है आपका डी क्यू, और डिवाइड बाय डिस्टेंस का पावर टू, डिस्टेंस कितना है सोर्स और टेस्ट के बीच में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है बेटा अंडर रूट, इसका पावर कितना करना है टू करना है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो बोलते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चा, dq की वैल्यू है लैम्डा इंटू dx, और डिवाइड बाय अंडर रूट हट जाएगा तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसकी वैल्यू बन जाएगी किसकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ de, दिस इज द वैल्यू ऑफ de, ये आपके पास de की वैल्यू आ गई, ठीक है, लैम्डा इंटू dx डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया आपने, बिल्कुल जी। अब मान लो कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल है मान लीजिए थीटा एंगल है, क्योंकि आपको स्ट्रेट कंडक्टर से एंगल देखना होता है किसी पॉइंट पी पे, ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है वो स्ट्रेट कंडक्टर से एंगल देखना है आपको, ठीक है ना, स्ट्रेट कंडक्टर से आपको एंगल देखना है, ठीक है, इसका एज इट इज कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में भी मिलेगा आपको। अब डीई को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं डीई को, कैसे कि एक कंपोनेंट तो उसका यहां बन जाएगा जी, और दूसरा कंपोनेंट उसका कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ना। तो अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी, ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा, फोर्स थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो है आपका थीटा। अब थीटा जिसके साथ होता है उसको कंपोनेंट मिलता है कॉस वाला, तो दिस इज डीई कॉस ऑफ थीटा, और यहां क्या मिलेगा इसका परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा, है ना। अब देखो बच्चा जहां सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्जेस का, जहां सिमेट्रिक मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्जेस का, वहां पे जितना वर्क करेगा कौन,
जितना वर्क उधर वाला कंपोनेंट मतलब मिड पॉइंट से इधर वाला कंपोनेंट करेगा उतना ही काम मिड पॉइंट से उधर वाला कंपोनेंट भी करेगा, ठीक है ना, उधर वाला कंपोनेंट भी करेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी। अब देखो यानी कि जितना इफेक्टिव ये है उतना ही इफेक्टिव उसका रेसिप्रोकल कंपोनेंट भी है। इसकी भी लेंथ कितनी है, dx है, मतलब सेंटर से इधर साइड को भी उतना ही इफेक्टिव है। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे कैसे बनेगा, ऐसे यहाँ का मिड पॉइंट देख लो आप, कोई भी o डैश मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बनेगी। यहाँ पे भी एंगल आपने यही थीटा कंसिडर करना है जैसे पहले वाले में कंसिडर किया था थीटा। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात रहने वाली है वो वही है कि कंपोनेंट्स भी उसी तरह से बनेंगे। एक कंपोनेंट तो इस डीई डैश का इधर वाला और एक जी इधर वाला, ठीक है। अब देखो कैसे कंपोनेंट्स में आपको शो करता हूं। मैंने कहा कि जी जितना इफेक्ट इसका रहेगा ना डीएक्स का उतना ही इसके रेसिप्रोकल कंपोनेंट डीएक्स का इफेक्ट रहेगा। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई डैश, डी डैश, जैसे ये थीटा वैसे ही ये थीटा, इसी तरह से ये कंपोनेंट आपका डी ई डैश साइन थीटा और ये आपके पास डी ई डैश कोस थीटा, डी ई डैश कोस थीटा। अब देखो बच्चा कि ये जो डी ई डैश साइन थीटा है और डी ई साइन थीटा है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। मतलब मेरे को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, इसका समेशन ले लीजिए या फिर इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या DE ले लो चाहे DE डैश ले लो, तो DE कौन देगा मेरे को, cos of theta मेरे को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, कौन, DE cos of theta, DE cos of theta। मतलब मेरी जो इफेक्टिव इंटेंसिटी रहने वाली है वो मेरी क्या रहने वाली है, देखिए भाई यहां से मेरा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे को समेशन ले लो चाहे इंटीग्रेशन ले लो, डीई की वैल्यू कितनी है जी, डीई की वैल्यू है k इंटू लैम्डा इंटू डीएक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी, इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए। हाँ जी, मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है k लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब देखो बेटा आप ट्राइंगल देखो ओसीपी, ओसीपी ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल को बाहर एक ट्राइंगल बना लो, बहुत ही इजी वे होता है कि आप ट्राइंगल बना के देख लो, ट्राइंगल बना के देखोगे ना तो फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते हैं, तो जो बच्चे पजल हो जाते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल बना लें पहले, और थीटा देख लें कहाँ पे है, थीटा है जी आपका पी पॉइंट पे, ठीक है, और 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री है जी सी पे, और पॉइंट कौन बचा ओ, तो ये बन गई आपकी ओ सी पी। तो ओ सी पी से मैं अगर देखूं तो मुझे किस किस की वैल्यू का पता है, ओ सी का पता है, ओ सी कितना है मेरा एक्स के इक्वल, और पी सी, पी सी मेरा है आर के इक्वल, तो ये है एक्स बाय आर को अगर ध्यान से देखा जाए तो x है परपेंडिकुलर, r है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी tan थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा जी r आपका आगे tan थीटा, है ना, x इज इक्वल टू r tan थीटा। अब इसका डेरिवेटिव ले लो बच्चा, तो मैं आपको लोगों को बता दूं जो बायो वाले बच्चे हैं स्पेशली, tan का डेरिवेटिव होता है बेटा secant square theta और d theta, secant square theta d थीटा इसका डेरिवेटिव होता है, यानी कि dx की वैल्यू जो है मेरी वो किसके इक्वल आई है बेटा, dx की वैल्यू आई है r secant square theta d थीटा के इक्वल, और नीचे मेरे पास r square plus x square भी है, तो r square plus x square को भी देख लेते हैं कि r square plus x square is equal to r square plus x का पावर 2, x किसके इक्वल है r tan थीटा, तो r square tan square theta, यानी कि r square plus x square किसके बराबर है, तो r square 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta किसके बराबर होता है बच्चा secant square theta, तो r square secant square
थीटा दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी वैल्यू भी मेरे पास आ गई, वो वैल्यू है मेरे पास आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के वन में रखो, जैसे ही आप वन में रखोगे आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा चेक कर लो। तो डी ई इज इक्वल टू जी, सॉरी बच्चा थोड़ी नेटवर्क एरर आ गए थे। हाँ जी मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा से स्क्रीन और उस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करता हूँ मैं। हाँ जी, हम उस न्यूमेरिकल में कहाँ तक थे, वहां तक के लास्ट स्टेप में दोबारा से बनाने पड़ेंगे वो स्टेप्स मुझे। एक्चुअली मेरे पास था एक एबी कंडक्टर था, ठीक है, और यहाँ से किसी डिस्टेंस आर पे किसी पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे मेरा कोई एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है, वो लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ थी डी एक्स के बराबर, ठीक है, और उसके पास चार्ज था लैम्डा इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। अब जितना इफेक्ट इसने दिखाया उतना ही इफेक्ट इसके भाई ने भी दिखाया, ठीक है, तो यहाँ से भी एक एलिमेंट हमें लेना पड़ा उसका रेसिप्रोकल कंपोनेंट, ठीक है, वो यहाँ पे वो भी डी ई के बराबर था, उसको हमने डी ई डैश माना। एक्चुअली इसको हमने माना था डी ई के बराबर और ये हमने माना था जी डी ई डैश के बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास था डी एक्स कंपोनेंट, ये उसका मिड पॉइंट था ओ, ये हमारे पास C था सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंथ एलिमेंट, दैट लेंथ एलिमेंट इज AB एक्चुअली, ठीक है, और उसके बाद हमने ये एंगल भी थीटा माना और ये एंगल भी हमने थीटा कंसीडर किया, और थीटा कंसीडर करके हमने यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था DE डैश साइन थीटा और यहां पे था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड DE साइन थीटा और यहाँ पे दोनों मिलके चलते थे DE cos थीटा और DE dash cos थीटा, DE cos थीटा और DE dash cos थीटा। आपने डायग्राम बना रखा है सभी बच्चों ने, ये जो डिस्टेंस था ये r के इक्वल था, ये x के इक्वल था और यहाँ पे चार्ज था lambda into dx के बराबर, that was equal to dq, ठीक है, और ये जो हमने सेपरेशन बताई वो बताई r square plus x square, ठीक है, और इसका अंडर रूट के बराबर, ठीक है। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी और यहां से मैंने x is equal to निकाला था r tangent theta और dx मेरा यहां से बन जाता था बच्चा पार्टी किसके इक्वल, r secant square theta d theta के इक्वल। इसी तरह से r square plus x square मेरा किसके इक्वल था, r square x square, x की वैल्यू रखनी मेरे को कितनी, x की वैल्यू है r tangent theta, तो ये मेरा बनता था r square secant square theta, ठीक है ना जी, secant square theta। अब देखिए बच्चा मेरा लास्ट जो एक्सप्रेशन था वो था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैं इंटीग्रेशन करने वाला था वहां पे k into lambda dx divide by r square plus x square और into मेरे पास था cos of theta into cos of theta, ठीक है ना, इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखिए बच्चा जो जो मेरे पास वैल्यूज हैं मैं उनको पुट कर देता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो के तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चा, बाहर ले लो चाहे, लैम्डा इनटू डीएक्स की वैल्यू है जी आर सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा और आगे है जी आपके पास कॉस थीटा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है जी आर स्क्वायर secant square theta, तो secant square theta से secant square theta गया, एक r से एक r cancel हो गया, ठीक है ना जी। तो अब आपके पास बच्चा cos theta d theta, अब अगर इसकी length infinite है ना बच्चा, अगर हमारा conductor AB infinite है तो ये angle infinite तक जाएंगे,
ये देखिए थीटा जो एंगल है इनफाइनाइट तक जाएंगे तो 90 डिग्री को अप्रोच करेंगे, इधर वाले भी 90, इधर वाले भी 90, तो ओरिजिन से जो इस साइड को उसको नेगेटिव 90 ले लो, उधर को पॉजिटिव 90 ले लो, तो यानी कि माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास बनेगा के इंटू लैम्डा डिवाइड बाय मेरे पास है आर, इंटीग्रेशन में है कॉस थीटा डी थीटा। देखो बच्चा एक मैं आपको एग्जाम्पल यहां पर देके बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है ना, जिसके पास चार्ज है, और यहां से किसी पॉइंट पी पे आप डील कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ना बेटा, ये इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो ऐसे ही जाएगा इनफाइनाइट, तो ये स्क्रीन से भी बाहर चला जाएगा, इधर नीचे भी ऐसे ही जाएगा। तो अगर मेरे को एंगल देखना हो इस सिचुएशन में थीटा, तो मैं कैसे देखूंगा, ऐसे 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 देखना पड़ेगा। ये देखो ये भी जाके मिल नहीं रहा, उसको नहीं मिल रहा ना, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये जो एंगल आपके सामने मैंने डायग्राम में बनाया किसके अप्रोच कर रहा है, 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है। मतलब अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, मतलब ये सेंटर से इस साइड को भी 90 वाला एंगल बनेगा ये थीटा, और सेंटर से इस साइड को भी ये थीटा 90। तो मैंने क्या लिया, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन उसका पॉजिटिव होता है, तो के लैम्डा बाय आर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी साइन थीटा, लिमिट्स हैं आपके पास माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा, साइन थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस साइन क्या बेटा, माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन माइनस पाई बाय 2, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, दूसरे साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि ये आ गया 2 के लैम्डा बाय आर साइन 90 की वैल्यू, इसकी भी 1 वैल्यू होती है बेटा, इसकी भी 1 वैल्यू होती है, तो 1 प्लस 1 2। अब आपको पता है ना बेटा कि के का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर के, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, और मुझे बता दीजिए कि इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो प्लीज अभी क्लियर कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इश्यू हुआ, तो इस उस इश्यू के कारण हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स आए हों, तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिए, जो जो डाउट्स आए होंगे फटाफट से मैसेज करिए बेटा, जिनको समझ में आ गया वो भी बता दीजिए कि सर समझ में आ गया है ना। हाँ जी, जिनको समझ में आ गया, सर जी कोई डाउट नहीं आया, एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ ये बात किसने किस बच्चे ने लिखी है, पूरी लंबी छोटी बात लिखी है, उससे पहले तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ गए। हाँ जी सर जी कोई डाउट नहीं है, आ गया समझ में सारा, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशु पठानिया क्लियर है सर, वेरी गुड, क्लियर सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। महक, दविंदर, अमरवीर, भवजोत, मनवीर सर लास्ट स्टेप बता दो, ठीक है बेटा। ईशान आ गया सर समझ, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। गुणवीर, वंशिका, सुखलीन, पलविंदर, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा लास्ट वाला स्टेप जो है ना वो ये है कि कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, को का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये मैंने लिखा साइन थीटा, लिमिट्स थी मेरी माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट है प्लस माइनस माइनस ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लोअर लिमिट कितनी, माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2, तो ये देखो मैंने माइनस पाई बाय 2 लिख रखा है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, अगर ये कोस में होता ना बच्चे, कोस ऑफ माइनस थीटा, तो ये कोस थीटा प्लस के बराबर होता है बेटा, ये बात आप याद रखिए, दो आइडेंटिटी है इनको भूलना नहीं है आपने, ठीक है। तो ये भी साइन 90 डिग्री, ये भी आपका साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है प्लस 1, और दूसरे इसकी भी वैल्यू कितनी होती है प्लस 1, तो 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r, ठीक है ना। अब k क्या होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा कि लैम्डा 2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट के इक्वल है, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट के इक्वल है। ठीक है ना बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं और बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए जी, ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा। ठीक है, तो आप जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आए प्लीज एनसीईआरटी से एक बार देखना कि स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्टली उसको पढ़ना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। अब मैं एक एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ। आजकल आप लोग मेरे ख्याल से रुदरफोर्ड का एटम मॉडल है ना, बोहर्स एटम मॉडल, जे जे थॉमसन का एटम मॉडल, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। जहां तक मुझे पता लगा है केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, मेरे ख्याल से पढ़ रहे हैं ना। तो आपने पढ़ा होगा फाइनल जो था वो हमें नील बोहर ने प्रोवाइड किया, और बोहर जो डील करता है वो हाइड्रोजन एटम मॉडल के साथ डील करता है। हाँ जी, कितने बच्चे हैं जो बोहर्स एटम मॉडल वगैरह पढ़ चुके हैं? नहीं सर, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इट्स वेरी गुड। अच्छा पलविंदर, आप पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ा था। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, अरे मैं भूल गया था। हाँ जी, आपने 11th में पढ़ा था, बिल्कुल यही बात मैं आपसे पूछना चाहता था कि 11th में आपने पढ़ा था। कुछ बच्चों के मैसेजेस और भी आ रहे हैं मेरे पास। हाँ जी, पलविंदर 11th में पढ़ा था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि पॉजिटिवली चार्ज, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये देखिए आपके पास है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर क्या करते हैं बच्चा? रिवॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये मैं पाथ बना के बता रहा हूं आपको, इस पाथ में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ये लीजिए जी, ये रेडियस मान लीजिए इसका आर, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 × 10⁻¹¹। तो ये 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 रेडियस है बच्चा, ठीक है ना, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m के बराबर, इसकी लीनियर वेलोसिटी, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहां इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब दो एनर्जी आती है बेटा यहां पे, एक तो आती है काइनेटिक एनर्जी और एक आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप हमेशा याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है बेटा? हाफ होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है ना उसका नेगेटिव उसका हाफ। और टोटल जो एनर्जी होती है ना बच्चे, टोटल जो एनर्जी होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है ना, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब देखो बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ डील कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ऑफ कोर्स, एक मेरे पास प्रोटॉन है और एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन। अब मैं मूव करता हूँ एनसीईआरटी के उस न्यूमेरिकल पे जो मुझे आपको सॉल्व करवाना है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 18। उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने बातें बताई है यही स्टेटमेंट है उसकी। कहता है, इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब उन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, आर जो दे रखा है वो दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू है 0.53 × 10⁻¹⁰ मीटर। ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरियां जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेकिंग जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। मतलब आपको क्या बातें कही कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेनी है? हमने जीरो लेनी है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल लेता हूं।
ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर। तो इंफिनिटी पे लेनी है आपने जीरो और पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल आपके पास आर पे कितना रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फिर वर्क डन निकाल लीजिए, यहाँ पे वी से प्रेजेंटेशन मत दीजिए, पी से दीजिए, पीई एट इंफिनिटी माइनस पीई एट आर। इंफिनिटी पे आपने जीरो माना है, आर पे निकाल लेते हैं के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर के ऊपर। दो चार्ज हैं आपके पास, आपको पता है हाइड्रोजन का एटम मोबाइल है, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस फिर नेगेटिव वैल्यू तो आपने लिखी थी, तो माइनस के एक है आपके पास 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन के भी ऊपर इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। सेपरेशन मैंने गिवन है, मैंने दिया है आपको 0.53 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 के बराबर। तो के की वैल्यू रख लीजिए बेटा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 है ना, 1.6 और इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 का प्लस 10 हो जाएगा और 10 रेज टू पावर 19 माइनस साइन के साथ इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाय क्या है बेटा 0.53, ठीक है जी। तो फिर एक 19 तो गया, ठीक है जी, और आपके पास बाकी बचा कितना 5, इसको 1/2 मान लेता हूँ, तो 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ये क्या आया बेटा जूल के इक्वल, एनर्जी जूल में आती है ना, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है बेटा 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 joule किसके बराबर है, 1 EV divide by 1.6 into 10 raised to power minus 19, मतलब इसको EV में convert करना है ना, तो आप क्या करो 9 into 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 divide किससे कर दो 1.6 into 10 raised to power minus 19 से, ये electron volt में convert हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, माइनस 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आ गई ना बेटा। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी भी बता सकता हूं मैं, बोलो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा कि नेगेटिव ऑफ हाफ, मतलब इसका 18 का हाफ कितना, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप देखो कि टोटल एनर्जी आपके पास कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने कहा था नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन मुझे किया गया, उस क्वेश्चन में मुझसे ये बात करी गई कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए सेपरेशन आर वन आपको फाइंड करना, और R1 आपको जो डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस दे रखा है 1.06 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है ना जी। तो यहां तक बातें सभी को समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को बता दो एक बार, ठीक है ना, बोलो भाई यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बता दो बेटा यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। महक, जैस्मीन, वेरी गुड, मनवीर, अमरवीर, हाँ जी सर बहुत अच्छे से समझ आ गई, और क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। देखो बच्चा, अब मेरे को कहा गया कि आपको R1 सेपरेशन दे रखा है, R1 से R पर आना है आपको, R1 से R पे आना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट R1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर विल बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम तो मैंने ये बात कही थी कि आपका जो इनफाइनाइट सेपरेशन है उसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन इनफाइनाइट की जगह मैं आर वन ले आया, तो आर वन अगर मैं ले आऊं तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी मेरी के Q1 Q2 divide by R1 minus K Q1 Q2 divide by क्या R,
तो दोनों में कॉमन है कि क्यू वन क्यू टू अंदर बचेगा आपके पास वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। आर की वैल्यू मैंने आपको गिवन स्टार्टिंग में दी थी 0.53 और आर वन की वैल्यू अब मेरे को दी है 1.06 एंगस्ट्रॉम, तो आर वन की वैल्यू है 1.06 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये वैल्यू है मेरे पास और आर आर की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप समझते हैं एंगस्ट्रॉम का मतलब सभी बच्चे, 1.06 into 10 raised to power minus 10 और ये है 0.53 into 10 raised to power minus 10 मीटर। यहाँ पे मीटर, ये दोनों वैल्यूज रख लीजिए, आर वन सेपरेशन के लिए आपका वर्क यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना जी। बस आपको वैल्यूज रखनी है और न्यूमेरिकली उसे सॉल्व कर लेना है, आपका रिजल्ट आपके सामने हुआ। मेरी बात क्लियर है जी? हाँ जी, ये न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 18, ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 18 है ये आपके पास। हाँ जी, अब देखो बच्चा बात करते हैं, मैं न्यूमेरिकल नंबर 19 की बात कर रहा हूं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 19 में मुझे क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, कैसे मुझे परफॉर्म करना है। देखिए बच्चा मैं आपको जनरल सी बात बता देता हूँ कि मेरे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है और दो प्रोटॉन बाहर निकाले गए हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, ठीक है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है और दो प्रोटॉन बाहर निकाले गए हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का, सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का, इनका ये सेपरेशंस आपको गिवन है, ठीक है ना, ये सेपरेशन है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, यहां पे भी 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर और यहाँ पे है जी 1.5 into 10 raised to power minus 10 meter, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि determine the potential energy of the system, आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये तो वही बात हो गई जी, ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज है जी आपका Q2 और ये चार्ज है जी आपका Q3। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप कैसे निकालेंगे बताइए। पोटेंशियल एनर्जी आपकी रहेगी के Q1 Q2 डिवाइड बाय R प्लस के Q2 Q3 और डिवाइड बाय R प्लस के Q1 Q3 डिवाइड बाय फिर से R। इनमें जो सेपरेशन है उनकी वैल्यूज रखिए, Q1 Q2 की वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ, K तो सभी में कॉमन है। अब Q1 कितना है, ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 raise to power minus 19। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस कितना 1.6 into 10 raise to power minus 19 divide by r, r कितना बेटा 10 की पावर माइनस 10 प्लस Q2 और Q3 के बीच, Q2 में है 1.6 into 10 raise to power minus 19, Q3 में है प्रोटॉन, तो 1.6 into 10 raise to power minus 19 मतलब ये प्लस लिया ये माइनस लिया, मैंने पोटेंशियल के केस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है जी। प्लस दोनों के दोनों प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक चार्ज है 1.6 into 10 raise to power minus 19, दूसरा भी सेम चार्ज है और डिवाइड बाय सेपरेशन कितना है 1.5 into 10 raise to power minus 10, ठीक है ना जी। अब देखो बेटा एलसीएम क्या आ रहा है, जो चीज कॉमन है उसे तो बाहर निकाल लो, तो के अपॉन 10 की पावर माइनस 10 कॉमन है into 1.6 into 1.6 into 10 raise to power minus 38 भी कॉमन है, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बाकी बचेगा माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस 1 और यहाँ पे 1 अपॉन 1.5 या ये कह सकते हैं आप 3/2 भी बोल सकते थे आप इसको, ठीक है कोई बात नहीं चलो, ठीक है। तो ये माइनस 1 माइनस 2 हो गया, ठीक है ना जी। 10 की पावर 10 ऊपर आएगा तो K into 1.6 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 28 और 2 माइनस ये आपके पास माइनस 2 प्लस
1.5 मीन्स 3/2, तो 3 2 जा -6 प्लस 2 यानी कि -4/3, तो यानी कि ये आपके पास आ जाएगा बेटा 4/3 विद नेगेटिव साइन। k की वैल्यू रख लो बच्चा, k की वैल्यू आएगी आपके पास 9 × 10⁻⁹ विद नेगेटिव साइन इनटू 1.6 × 10 की पावर -28 × 4 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व कर लो, ये जूल में एनर्जी आ जाएगी आपके पास, ठीक है, ये इतने जूल आपके पास एनर्जी आ जाएगी बेटा, चेक कर लो इसे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको कितने न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे अकेले को लगे हुए। हाँ जी हरकमल, हरकमल प्रीत सिंह अनम्यूट करो बेटा अपने आपको। हाँ जी हरकमल, यस सर। हाँ जी समझ में आया, मैंने आज दो न्यूमेरिकल कराए हैं। हाँ जी सर, चलो एक बार आप और ट्राई करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे, और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चा, ठीक है ना। हाँ जी हरसिमरन, ठीक है सर, हरसिमरन हरसिमरन अनम्यूट करो अपने आप को बच्चे। हाँ जी ठीक है जी सर, 1.6 दो बार क्यों बाहर निकाला है, क्योंकि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन था दूसरा प्रोटॉन था, चार्ज दोनों पे सेम होते हैं। आपने Q1 Q2 ले रखा है ना बेटा यहाँ पे, तो देखो जहां पे -1.6 ले रखा है ना आपने, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और ये किसके ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये किसके ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। जैसे ये दोनों के दोनों प्रोटॉन पे चार्ज है, ठीक है ना, तो दोनों में ये फैक्टर तो कॉमन ही है ना, 1.6 × 10⁻¹⁹, यहाँ पे भी 1.6 × 10⁻¹⁹, that's why I have taken two times, 1.6 × 1.6, ठीक है, और 19 19 38 कर दिया था मैंने, और ये कॉमन ले लिया था यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको करवाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल अगर कम रह जाते हैं, आपके डाउट्स आते हैं, तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करना। हाँ आपका एक टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, जो आपको वीडियो ऑन करके टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपका टेस्ट रहेगा परसों का, ठीक है, तो परसों हमारा टेस्ट होगा। यहां तक कैपेसिटर को छोड़ के इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट का आपका थ्योरी डेरिवेशन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल जो आपके कंपटीशन में भी आ सकते हैं, बट इतना ज्यादा हाई लेवल मैं नहीं लेके चलूंगा, मतलब आप प्रदीप की बुक से प्रिपेयर करेंगे तो मोर देन एनफ, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका परसों ये टेस्ट है, प्लीज सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। टेस्ट आपको आपको हर बच्चे को पर्सनली मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, जिन जिन बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, जिनके नहीं है वो प्लीज अपने नंबर मुझसे ऐड करवा लेना, ठीक है, तो मैं पर्सनली आपको, ठीक है, वो टेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। देखो बच्चा आज की क्लास हमारी यहीं पे हम समाप्त करेंगे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू।